हेलो फ्रेंड्स, आपका द डेली स्पेशल में स्वागत है। आज मैं आपको बहुत ही आसान सी रेसिपी बताऊंगी जो बहुत ही टेस्टी है, चटपटी है। आप इसको सुबह शाम के नाश्ते में बना सकते हैं। ये है फर्रुखाबादी पापड़ी चाट। ये फर्रुखाबाद की बहुत ही फेमस रेसिपी है। ये एक स्ट्रीट फूड है। आप घर पर जरूर ट्राई करिएगा और हमें कमेंट में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आप मेरे चैनल बनाए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जो उसके बगल में बेल आइकन है उस पर क्लिक करना ना भूलिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ आप उसको सबसे पहले देख सकें और सबसे पहले बना सकें। चलिए शुरू करते हैं। चलिए इसके इंग्रेडिएंट्स चेक कर लेते हैं। इसके लिए हम लोग को ज़रूरत है ये मूली के पत्ते। ये दो मूली के पत्ते हैं जिनको मैंने फाइन चॉप कर लिया है। और ये 1.5 चम्मच मैंने नमक लिया है, स्वाद अनुसार नमक लिया। आप अपने स्वाद अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये लगभग 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर लिया है और लगभग 1 चम्मच धनिया पाउडर लिया है। और ये 5 से 6 हरी मिर्च जिनको मैंने बारीक काट लिया है। और ये 2 मूली जिनको मैंने ग्रेट कर लिया है। ये मैंने 4 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं जिनको मैंने फाइन चॉप कर लिया है। 3 मीडियम साइज के प्याज हैं जिनको मैंने चॉप कर लिया है। इस खटाई को भिगोएंगे गर्म पानी में। ये लगभग 50 ग्राम खटाई है। इसको हम इस तरीके से 10 मिनट के लिए उबालेंगे गर्म पानी में। हम 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। इसी तरीके से ढककर रख देंगे 10-15 मिनट के लिए। हमारे 10 मिनट हो चुके हैं। चलिए अब इसको पीस लेते हैं हम। और ये खटाई ली है जिसको मैंने पीस लिया था, वो जो उबाली थी खटाई उसी को पीस लिया है। और ये लगभग 1 चम्मच नींबू का रस है। ये 4 बड़े चम्मच मैंने मठा लिया है, यानी छाछ लिया है। ये हमने 1 किलो आलू लिए हैं, इसको अब हम उबालेंगे। ये अच्छे से धुल लिए हैं मैंने आलू, अब इसको उबलने रख देते हैं। ये 1 किलो आलू में मैं ये इतने आलू में लगभग 1 गिलास पानी डाल देती हूँ और इनको अब उबलने रख देती हूँ। हम ये आलू अब उबालेंगे। ये लगभग 2 सीटी पे तेज पे हों और 1 धीमी पे लगाएंगे सीटी और हमारे आलू उबल जाएंगे। जब तक हमारे आलू उधर उबलते हैं तब तक हम इसका एक डो तैयार कर लेते हैं, जिसके हम पूड़िया यानी पापड़ी बना के बेलेंगे। सबसे पहले हम इस आटे को छान लेते हैं। हमारा आटा छन चुका है। अब हम इसको एक सॉफ्ट डो इसका तैयार करेंगे। अब इसको गूंथ लेते हैं। इसको अच्छे से मसलते हुए गूंथना है हमको। ये लगभग 1/2 किलो आटा लिया है हमने। हमारे 10 मिनट हो चुके हैं। अब इसको देखते हैं। हमारा आटा भी लगभग सेट हो चुका है। अब इसको हाथ से थोड़ा सा मसलते हुए गूंथ लेंगे, चिकना कर लेते हैं। लगभग 2-3 मिनट तक हम ऐसे ही मसलते हुए गूंथेंगे इसको, ताकि हमारा आटा अच्छे से चिकना हो जाए। हमारा आटा देखिए चिकना हो चुका है। ये हमने रोटी जैसा वो पूड़ी जैसा आटा गूंथा, जैसे पूड़ी के लिए टाइट आटा होता है उसी तरीके से गूंथा है। अब इसको हम थोड़ा थोड़ा से ले लेंगे। और इसकी लोई तैयार करेंगे। इसी तरीके से हम 7-8 लोई बना लेंगे।
ये हमने इस तरीके से दुपट्टा बिछा लिया है, इसी पे बेल बेल के डालना है हमको ताकि ये सूख जाए थोड़ी सी। ये आप कॉटन का दुपट्टा बिछाइएगा तो ज़्यादा सही रहेगा। चलिए अब बेल लेते हैं हम। जितनी पतली बेल सके आप उतनी पतली बेलिएगा इसको। हमारी बिल गई है, अब इसको हल्का सा हाथ से इस तरीके से करके इस पे डाल देंगे इस तरीके से। अब दूसरी बेल लेते हैं, इसी तरीके से हम सारी बेल बेल के दुपट्टे पे डाल देंगे। हल्का सा सुखाना भी है इनको। अगर आप इसको सर्दियों में बना रहे हैं तो इसको लगभग 1-1.5 घंटे तक पंखे की हवा में सुखाएंगे, और गर्मियों में बना रहे हैं तो 20 से 25 मिनट तक सूख जाएंगे ये पंखे की हवा में या कूलर की हवा में। अब इनको हम सूखने देते हैं 15 से 20 मिनट तक। अब हम इनके सूखने का इंतज़ार करते हैं। ये हमारे आलू उबल चुके हैं, इनको मैंने छील लिया है। अब इसका इसको फोड़ेंगे इस तरीके से। हम पतले पतले आलू काट लेंगे। इसी तरीके सारे आलू काट लेंगे हम। ये आलू भी हमारे कट चुके हैं, 25 मिनट हो चुके हैं, ये हमारी सूख भी चुकी हैं। पूरी तरीके से नहीं सुखानी है, इस तरीके से हल्की सी सूख जाए, इस तरीके से सूख चुकी हैं। अब हम इनको सेकेंगे। ये मैंने रिफाइंड लिया है डीप फ्राई करने के लिए। अब इसको गर्म होने देते हैं, तेल अच्छे से गर्म हो जाए खूब अच्छे से, तभी इसमें ये पूरी डालनी है हमको। अब इसको इस तरीके से दबा दबा के सेकना है और इसको गोल्डन ब्राउन होने तक हमें सेकना है। ये इस तरीके से मैं इसे किया, इसको निकाल लेते दूसरे बर्तन में। इसी तरीके से और सेकेंगे हम। तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तभी ये सेकिएगा, वरना ये हमारी पापड़ी की पूड़ियाँ अच्छे से बनेंगी नहीं। इसी तरीके से हम सारी सेक लेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। इसी तरह हम पूरी सेकेंगे। अब इसकी इसको गोल्डन ब्राउन होने तक हमें सेकना है। इस तरीके से हमें सेकना है। ये हमारी सेक गई है। अब इसी तरीके से सारी सेक लेंगे। ये हमने पापड़ी इस तरीके से सेकी है। अब हम इसको क्रश करेंगे इस तरीके से। पापड़ क्रश हो चुके हैं।
अब इसमें एक एक करके सारे सामान मिलाएंगे। इसमें अभी हम आलू डाल देते हैं, जो ये उबाले हुए काटे हुए आलू हैं, ये प्याज, टमाटर और ये कद्दूकस की हुई मूली, ये कटे हुए मूली के पत्ते, ये मठा यानी छाछ, अब ये पिसी हुई खटाई, ये नींबू का रस लगभग एक चम्मच, इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च। अगर आप ये बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसको स्किप कर सकते हैं। अब ये पिसा धनिया, लाल मिर्च पाउडर, सफेद नमक, आप इसमें काला नमक भी डाल सकते हैं, मुझे काला नमक पसंद नहीं है तो मैं नहीं डालूंगी इसमें। अब इसको हम मिलाएंगे इस तरीके से, हमारा फरकाबादी स्ट्रीट फूड पापड़ी चाट। आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी प्लीज कमेंट में जरूर बताइए, ज्यादा लाइक करिए, ज्यादा शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।